आप आईएएस के दैनिक हिंदी संपादकीय विश्लेषण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे ना। एक कि बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है जो कि कृषि और छोटे उद्योगों के पास उच्च वृद्धि की कुंजी, मतलब कि ये जो है, तो जैसे कि अभी हाल ही में सरकार का जो कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की गई है ना, तो उसमें से यहाँ पर राइटर ने अपना कुछ, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव कुछ आइडिया दिया है उन्होंने, कि जैसे कि इसमें जो है तो इनकी बजाय जो है तो कृषि और छोटे उद्योगों में जो है तो व्यापक सुधार करने की ज़रूरत है ना। तो इससे जो है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं इनके, काफ़ी मतलब कि कब नए इन्होंने व्यू दिया है जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है, हमारे आंसर को भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव बनाने में ये हेल्पफुल होगा ना। ये नए आइडियाज़ हैं तो निश्चित तौर पर ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। और नेक्स्ट अपना आर्टिकल है जनसत्ता का, ये आर्टिकल है कि जो संकट में संस्था, जो कि संयुक्त राष्ट्र में जो फंडिंग की कमी देखने को मिल रही है, तो इससे संबंधित ये आर्टिकल मतलब कि डिस्कस करता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और ये थर्ड आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कल इसको हम लोगों ने नई दुनिया का आर्टिकल आया था, तो इसी पे विवेक काड़जू का ये आर्टिकल था चीन भारत से रिलेटेड, तो उसमें ये सेम वही आर्टिकल आज दैनिक जागरण में आया हुआ है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज हम देखते हैं, दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे ना। चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। तो ये आर्टिकल है जैसे कि बड़ी कंपनियों को राहत देने से आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज करने में मदद मिलने की संभावना कम ही है, इसके लिए ज़रूरी यह है कि कृषि और छोटे उद्योग में भी व्यापक सुधार करने की प्रयास किए जाएं, है ना। जैसे कि अभी हाल ही में सरकार ने जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की है, तो उससे तो निश्चित तौर पर जैसे कि शेयर बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा से उत्साह देखने को मिला है, लेकिन ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यदि बात की जाए, तो ये 5 लाख करोड़ डॉलर के जो सरकार के लक्ष्य हैं, तो उन लक्ष्यों को पाने में ये जो है तो ज़्यादा कारगर कदम नहीं माने जा सकते हैं, है ना। तो उसमें से जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती की गई, उससे आय तो बढ़ेगी, लेकिन उससे जो निवेश है तो उसमें ज़्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी, जब तक कि कंपनियों को मांग बढ़ने की स्पष्ट संकेत ना दिखे। निश्चित तौर पे यदि जैसे कि कोई निवेश भी होता है, तो वो तो मांग बढ़ने के हिसाब से ही होता है ना, जब उसमें मांग ही नहीं बढ़ेगी ना, तो फिर कंपनियों में कोई मतलब नहीं निवेश करने से, वो ज़्यादा उत्साहित नहीं होंगी, है ना। तो बुनियादी उपभोक्ता उत्पादों की मांग बढ़ाने का स्वाभाविक तरीका ये हो सकता है कि जैसे ये अपनी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा है, तो इस पर ज़्यादा खर्च बढ़ाने की ज़रूरत है ना, जिससे क्या होगा कि अपनी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, क्योंकि मनरेगा वगैरह है, तो ज़्यादातर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जॉब क्रिएट करने के लिए जो मतलब कि अपनाया गया था, तो इससे क्या होगा कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, तो उसमें ज़्यादा पैसे का एक प्रकार से फ्लो होगा, तब वहाँ से मांग जनरेट होगी, है ना। क्योंकि जो सुस्ती का दौर देखा जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो है तो पूरी तरह से एक प्रकार से यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुस्ती की दौर पे गुजर रही है, है ना। तो इससे हमें अब जैसे कि अपने हम FRBM राजकोषीय, यदि हम राजस्व के उस पर बात करते हैं, तो राजकोषीय दायरे से बढ़ करके अब जो है तो हमें इन चीज़ों पर भी ज़्यादा मतलब कि ध्यान देने की ज़रूरत है ना। मुद्रास्फीति नियंत्रण से संबंधित यदि हम बात करें, जैसे अपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग का 2015 में जैसे उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पे लाया गया था कि 2% से 6% तक जो है तो फ्लक्चुएट होनी चाहिए, इससे ना तो कम ना ज़्यादा, तो ज़्यादा मतलब कि वो नहीं होगा। तो ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो लक्ष्य है, तो ये ज़्यादा तर्कसंगत प्रतीत नहीं हो रहा है, है ना। ये जैसे कि यदि हम भारतीय वर्तमान संदर्भ में अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो ये ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि जहाँ बड़ा खतरा जैसे वृद्धि का विपटरी होना और बढ़ती बेरोजगारी जैसी चुनौतियाँ यदि हैं, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग यहाँ पास भी तर्कसंगत नहीं रह जाता है, है ना। और महंगे उपभोक्ता और पूंजीवाद उत्पादों के मामले में राहत केवल तभी आएगी जब वृद्धि एवं रोजगार सृजन की स्थिति सुधरती है, है ना। निश्चित तौर पे जब वृद्धि जो हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, है ना, रोजगार लोगों को मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रोजगार क्रिएट होगा, तब जो है तो स्थिति ज़्यादा सुधारात्मक होगी, और तब जो है तो उसके परिणाम भी सही दिखेंगे, साथ ही ऋण बाजार की भी सेहत सुधारने की जरूरत होगी, है ना। तो वो मतलब कि इस दिशा में कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर काम करने की ये बात हो सकती है। पर जैसे बात की जाए कि तात्कालिक मांग बढ़ाने पर जोर देने वाला, जैसे केन्स मॉडल की बात की जाए, कि केन्स मॉडल क्या था, कि जैसे कि ये जो है तो जो जॉब क्रिएट के हिसाब से है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने की वो किया जाए, भले ही काम में प्रोडक्टिविटी कम हो, लेकिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार में लगाया जाए। ये हम लोगों ने पिछले आर्टिकल में अपने मतलब कि जो है तो डिस्कस भी किया था कि
एक उदाहरण के तौर पे कि जैसे चीनी कंपनी ने जो है तो जेसीबी के बजाय अपने खूब सारे लेबर लगा रखे थे, है ना, गड्ढे की खुदाई के लिए। तो एक प्रकार से उसको भी एक उदाहरण के तौर पे देखा जा सकता है कि जहाँ पास प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऑलरेडी बहुत से विकल्प हैं, मशीनरी सहारा ले सकते हैं, लेकिन फिर भी सॉरी उसमें से जो है तो ज़्यादातर लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है, है ना। तो इस मॉडल का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार क्रिएट करना, है ना। जैसे कि एक प्रकार से कह सकते हैं गड्ढे को खोद करके फिर से उसको भरने का ही काम क्यों ना किया जाए, इससे एक वो काम ही होगा, है ना, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये किन्स मॉडल तो तात्कालिक मांग बढ़ाने पर सहयोग कर सकता है, लेकिन हमें तो सकल सावधि निवेश में लगभग जैसे कि बात की जाए कि 2011-12 के स्तर में स्तर से बात की जाए कि जो उच्च स्तर पे था निवेश, तो वो जो है तो अब जो 5% की एक प्रकार से बहुत ही निचले स्तर पर जा चुका है। तो इस गिरावट का एक बड़ा हिस्सा जो है तो गैर कॉरपोरेट क्षेत्र का है, है ना। तो इसमें जो है तो कुछ योगदान जैसे नोटबंदी और जीएसटी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उनका भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि उन्होंने जो है तो इसको ज़्यादा बढ़ावा ही दिया है, है ना, ये जो गिरावट है। तो लेकिन जो गिरावट का बड़ा कारण यदि बात की जाए तो कृषि एवं छोटे उद्योगों के लिए जैसे हमारे नीतिगत प्रारूप है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पुराने पड़ गए हैं, है ना। तो उनमें भी जो है तो ज़्यादा मतलब के बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि इन क्षेत्रों के जो विकास की संभावना है तो उनको दोहन कर पाने में वो सक्षम नहीं रह गए हैं, है ना। तो इन क्षेत्रों का जो सकल घरेलू उत्पाद GDP में जो है तो योगदान लगभग 50% के आसपास है, तो निश्चित तौर पर इनको तो हम नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, है ना। तो इनमें भी एक प्रकार से सुधारात्मक कदम उठाए जाने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी कृषि नीति की बात करें, कृषि नीति जो हमारी 1960 के दशक में बनाई गई थी, तो उस समय जो है तब की परिस्थितियों के हिसाब से बनाई गई थी, जबकि हम खाद्यान्न के दृष्टिकोण से भी ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं थे, है ना। एक खाद्यान्न समस्या के संकट से हम जूझ रहे थे, तो वहीं जो है तो हरित क्रांति की तकनीकों को अपनाने के लिए जो है तो किसानों को सरकार जो है तो काफ़ी एट्रैक्टिव पहल कर रही थी, है ना, और किसानों को इसमें जबरदस्ती मतलब कि एक प्रकार से मनाने का काम कर रहे थे कि हरित क्रांति की तकनीकों को आप अपनाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। और साथ ही साथ जो है तो चावल और गेहूं जैसे खाद्यान्नों की जो है तो उदार मूल्यों पर सार्वजनिक खरीद का भरोसा दिलाए जाने की बात तब होती थी, है ना। एक प्रकार से कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस होता था, लेकिन इस नीतिगत परिप्रेक्ष्य का कोई औचित्य नहीं है, है ना। 60 के दशक में जैसे कि जो सूखे का भीषण सूखे की चपेट में मतलब कि आया था, उससे पहले जैसे बात करें कि भारत में जो चावल और गेहूं का जो प्रति व्यक्ति जो उत्पादन करीब लगभग 100 किलोग्राम था, जो कि अब जो है तो 2018-19 में बढ़कर 160 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हो चुका है, है ना। और यदि हम गेहूँ और चावल के भंडारों की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक प्रकार से उत्पादन जो है तो बहुत खाद्यान्न उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, है ना। और जैसे कि 60 के दशक में गेहूं और चावल की उपज के लिए जो है तो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देकर के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी रणनीति सरकार ने मतलब कि तब के समय उठाई थी, तब की परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन आज के दौर में ये इन चीज़ें ज़्यादा ये प्रासंगिक ज़्यादा नहीं रह गई हैं, है ना। तो वहीं गेहूं एवं चावल के जो अंशदान फसल के अपने जो उपज मूल्य उनके लगभग 1/3 से भी अब कम है। तो गन्ने की बात की जाए तो वो भी जैसे चीनी मिल है तो उनमें अक्सर समय पर भुगतान ना होने की जैसे समस्याएं देखने को मिलती रहती है, आए दिन किसानों की ये समस्या भी बनी रहती है। वहीं सहकारी समिति में भी जैसे दूध खरीदी का भी उसका भी समय से भुगतान ना होने की भी समस्याएं देखने को मिलती रहती है। इस प्रकार से यदि बात की जाए तो जो किसानों की उपज का लगभग 80% हिस्सा तो बाज़ार के जोखिमों में ही पड़ा रहता है, है ना। तो साथ ही और भी चुनौतियों की यदि बात की जाए तो उसमें भी जैसे किसान उनमें ये भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि जो अपने मनचाहे जगह पर बेच भी नहीं पा सकते हैं, है ना, कानूनों से बंधे हुए होते हैं। तो ये जो एकांगी व्यवस्था है तो किसानों को ये हतोत्साहित करती है, और इससे कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस व्यवस्था से वो जो क्या कि परेशान होकर के कई बार भी परिस्थिति के हिसाब से गलत फैसला चुन लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि वो गलत फसलों का चयन कर लेते हैं, है ना। जब गलत फसलों का चयन कर लेते हैं और एक ही डायरेक्शन पे मतलब कि एक ही फसल को ज़्यादातर किसान उगा लेते हैं, तो अब समस्या हो जाती है कि अब उसको क्या कि उसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया, तो अब जाए तो उसकी ऑलरेडी बाज़ार में मूल्य तो बहुत कम हो जाएंगे। जब बाज़ार में मूल्य कम हो जाएंगे तो किसानों ने तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन उसका बाज़ार के मूल्य से सकारात्मक उनके दाम नहीं मिल पाते हैं, तो वो जो तो उसका बोझ सरकार के ऊपर पड़ता है। अब सरकार उनको तो फिर उचित मूल्य उनके तय करेगी, और साथ ही उनको फिर सब्सिडी के बोझ में भी सरकार को मतलब कि सरकार ही उसका बोझ उठाती है। तो ये एक प्रकार से चुनौतियां हैं
और यदि कृषि नीति का जो जोर है, तो यदि हम इसके उपाय के तौर पर यदि बात करते हैं कि जैसे कृषि नीति की जो है, तो उसमें जो चुनिंदा फसलें या जो आगत केंद्रित दखल से हटकर के जो व्यापक समर्थन पर होने की बात की जा रही है, वहीं फसल और बागवानी से लेकर के पशुधन को भी इसमें शामिल करने की बात है ना। वहीं कृषि शोध एवं विस्तार, बाजार ढांचे को भी विकास, साथ ही कृषि कृषि प्रसंस्करण और भंडारण गतिविधियों में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। वहीं सभी फसलों और सभी क्षेत्रों को भी ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण में जैसे कंपनी और जैसे किसानों, उनको दोनों को जो है तो एक प्रकार से निवेश को बहुत ज़्यादा बढ़ावा इससे मिलेगा, है ना। अब जैसे कि यदि इससे क्या होगा कि जैसे कि बड़ा बदलाव तो ये भी देखने को मिला कि जैसे कि उपज बेचने की बात है, तो इससे क्या होगा, किसानों को भी एक प्रकार से अच्छा बाजार मिलेगा और उनको अपने उत्पादों का उचित दाम भी मिलेगा इससे, है ना। ये एक प्रकार से इसका लाभ कह सकते हैं। वहीं जैसे कि उपज की खरीद के लिए प्रतिस्पर्धा होने पर जो है, तो जो उत्पाद है तो उसकी जो बाजार में कीमतें काफ़ी ज़्यादा एक एक ज़्यादा हो जाती है तो एक एक कम हो जाती है, तो वो जो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, तो वो भी एक प्रकार से बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो ऐसे होने पर क्या है कि जो कृषि उपज खरीद को लेकर जो अधिक विश्वसनीय और स्थिर नीति ज़्यादा बन मतलब कि सफल रहेगी, है ना। हालांकि इससे जो कृषि है तो उसको सब्सिडी देने की तो जरूरत नहीं खत्म हो, क्योंकि तो बनी रहेगी, क्योंकि बहुत से देश कृषि सब्सिडी बहुत ज़्यादा मतलब कि देते हैं, तो इसका जो आधार जो है तो कृषि उत्पादन में भी दी जाने वाली जो सब्सिडी है ना देकर के आय समर्थन एक विकल्प हो सकता है उसमें। वहीं जैसे विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी जैसे बात की जाए, तो उसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों का भी जो GDP में योगदान की बात की जाए, तो लगभग लगभग वो 30% के आसपास है ना। वहीं सूक्ष्म इकाइयों में बात की जाए, तो लगभग 10.7 करोड़ लोगों को रोजगार इसमें मिलता है, जबकि छोटी और मझोली इकाइयों की बात की जाए तो उसमें 30 लाख रोजगार ये क्रिएट करती हैं, है ना। विनिर्माण कारोबार और अन्य सेवा वर्ग में भी जब इनकी लगभग हिस्सेदारी 1/3 के आसपास है, तो इससे विशेष तौर पे बात की जाए कारोबार क्षेत्र की सूक्ष्म लघु इकाइयाँ, तो ये जो है तो नोटबंदी और GST की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये हतोत्साहित हुई हैं। बहुत सी इकाइयाँ तो इससे बंद भी हो गई हैं, है ना। तो GDP निर्यात और रोजगार में निकायों को जो बड़ी हिस्सेदारी को यदि हम ध्यान में रखें, तो ये उपभोग में वृद्धि में जो सुस्ती है, निर्यात ठहराव की स्थिति सी बन गई है, और तो ये पारिवारिक निवेश में जो गिरावट है, तो इससे काफ़ी हद तक जो है तो अर्थव्यवस्था को समझा जा सकता है ना इसके परिणाम के तौर पर। तो जैसे कि हमारे कई छोटे उद्योग कर दायरे से बाहर रहने से पहले क्या होता था कि वो काफ़ी ज़्यादा में एक प्रकार से टैक्स से तो बचे रहते थे, साथ ही साथ वो एक प्रकार से अपना मतलब प्रोडक्शन करते रहते थे, लेकिन GST जब से आया तो ये इनके लिए मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई, क्योंकि वो GST के दायरे में आ गए, है ना। तो छोटे उद्योग को कर दायरे में लाना हालांकि वांछनीय तो है, लेकिन ध्यान इस रास्ते में भी मतलब इस पर भी देने की ज़रूरत है कि जो उसमें जो आने वाली जो अड़चने हैं उनको भी दूर करने का प्रयास होना चाहिए, है ना। लेकिन मुख्य ध्यान एक ऐसे नीतिगत प्रारूप पर होना चाहिए जो स्थायी रूप से छोटा बने रहने का पोषण ना करती हो, है ना। और लघु उद्योग नीति से ऐसे आग्रहों पर आधारित थी जो उन्हें बड़ा होने से हतोत्साहित करती थी, मतलब कि लघु उद्योग नीति में भी कुछ ज़्यादा मतलब कि बदलाव करने की ज़रूरत थी, है ना। अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो छोटे उद्यमी हैं, तो उनको भी छोटे कारखानों की संख्या बढ़ा करके मिलने वाले जो लाभ है उसको भी बढ़ाने का तरीका अपनाते थे, तो ये जो तो एक प्रकार से ये तो दुरुपयोग था, है ना। तो इनको क्या है कि जो लाभ मिलता था वो तो अब खत्म हो चुके हैं, और कारखाना अधिनियम, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, श्रम कानून में जो नियम की विसंगतियाँ थी वो अभी बरकरार ही हैं, लेकिन छोटी इकाइयाँ अब भी छोटी ही बनी रहना चाहती हैं, तो निश्चित तौर पर इस दिशा में भी लगभग जो है तो मतलब कुछ कड़े वो सरकार को अपना कानून बनाने की ज़रूरत है। वहीं जो ऐसे कठोर मानक बनाए तो जाएँ, लेकिन उनका जैसे पालन करने की बात की जाए, तो कानून को स्वरोजगार में लगे जो लोगों के अलावा जो है तो सभी पर एक प्रकार से लागू करने की ज़रूरत है। वहीं बड़ी इकाइयों के मानकों में थोड़ी शिथिलता लाने और छोटी इकाइयों के मानकों को सख्त करने की भी ज़रूरत यहाँ पास मतलब कि राइटर द्वारा बताया गया है। और वहीं साथ ही साथ एक मतलब कि राइटर ने यह भी सजेस्ट दिया कि जैसे हम यहाँ पास कहते कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र, तो इनका जो विभेद जो किया जाता है, तो इसको एक प्रकार से ख़त्म करने की बात है ना। इस विभेद को एक प्रकार से ख़त्म कर देने चाहिए। वहीं जो है तो कुछ मायनों में जैसे GST है, तो हालांकि GST जो है तो इस दिशा में एक प्रकार से कारगर कदम मतलब कि ये पहल ही है,
जीएसटी इस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभा भी रहा है। चुकाए गए कर का जो क्रेडिट मिलने से जो छोटी इकाइयाँ हैं तो उनमें भी जीएसटी नेटवर्क में शामिल होने को एक प्रकार से वो भी उसमें शामिल ही हो रही हैं। तो छोटे बड़े जो अवरोध है खत्म होने से निश्चित तौर पर जो कंपनियों के आकार में भी एक प्रकार से नया ढांचा उभरेगा, है ना, उसको उनको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक प्रोत्साहन मिलेगा। और आर्थिक सूझबूझ से छोटी इकाइयों के क्रेडिट प्रवाह में भी सुधार और गैर कॉर्पोरेट उद्यम निवेश को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन देखने को मिलेगा। जैसे कि परिवार के स्तर पर जो किए जाने वाले जो निवेश हैं तो इसका ही मतलब कि एक बड़ा हिस्सा निश्चित तौर पे होता है, है ना। तो परिवारों की बचत और निवेश में जो सुधार हो जाए तो हालत में बदलाव का एक प्रकार से लिटमस टेस्ट ही है। यानी कि जो बचत और निवेश में जो सुधार देखने को मिलेंगे तो निश्चित तौर पर जो तो अर्थव्यवस्था जो तो वृद्धि करेगी, है ना, और वो उसको बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जाएगा। और निश्चित तौर पर ये काफ़ी मतलब कि एक सुधारात्मक पहल हो सकती है ना। और वहीं जैसे कि निर्यात वृद्धि की बात करके यदि हम आप सर अर्थव्यवस्था को ज़्यादा मतलब कि तीव्र वृद्धि के स्तर पे लाना है तो अब निर्यात पे तो निश्चित तौर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, है ना। जैसे कि यदि हम बात करें कि कुल निर्यात में लगभग 45 से 50% अंशदान तो हमारे कृषि और छोटे उद्यमों के लिए अंशदान जखन जैसे कृषि और छोटे उद्यम है तो उनके लिए जैसे आधुनिक और सुधरी नीति अपनाने से जो है तो ज़्यादा राहत मिलेगी इनको। निश्चित रूप से व्यापार सहूलियत में दूसरे विशिष्ट सुधार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित विनिमय दर नीति की भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हमें जो है बड़ी कंपनियों से परे देखना होगा और अपने किसानों और छोटे उद्यमों की वृद्धि संभावनाओं को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उनको भी ज़्यादा बढ़ावा देने की जरूरत होगी, है ना। तो इस आर्टिकल में इतना ही, चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आर्टिकल है कि संकट में संस्था, जैसे कि यदि हम बात करें कि आज वैश्विक मंदी का दौर चल रहा है तो उससे जो है तो संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था भी जो है तो इन्हीं आर्थिक संकटों से जूझ रही है, है ना। जैसे कि इसकी इस तरह से देखा जा सकता है, कई पिछले कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि यहाँ पास जो है तो इसके बजट में कटौती देखने को मिल रही है ना। और जो है तो बड़े मतलब कि जो इसके जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संस्था की बात की जाए तो इसमें ये तो कोई अपनी स्वयं से कमाने वाली संस्था तो है नहीं, है ना। जो भी इसके सहयोगी इसके जो सदस्य हैं उन्हीं की मतलब कि फंड से ही इसका ये प्रकार से चलती है, है ना। तो ये जैसे कि बात की जाए कि भी इसके जो बजट है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कटौती हुई है। लगभग यदि बात करें तो इसकी सालाना बजट में लगभग 28.5 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की कटौती इसने मतलब की थी। तो यदि बात करें कि उसका जो जैसे खर्चा है तो सदस्य देश ही देते हैं ना, लेकिन लंबे समय की जैसे समस्या ये बनी है कि सदस्य देश अपने हिस्से का जो योगदान है तो नहीं दे रहे हैं। जो दे भी रहे हैं तो वे भी एक प्रकार से वो पहले की अपेक्षा कम कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं। तो सवाल ऐसा ये उठता है कि ये जो विश्व संस्था है तो अपने किस प्रकार से बचा पाएगी फिर इस तरह में, इस तरह यदि मतलब कि फंड की समस्या से यदि जूझने लगे किस प्रकार की बड़ी संस्था तो निश्चित तौर पर जैसे धीरे धीरे इसके काम काज काफ़ी एक प्रकार से कम होने लगेंगे और ये निष्प्रभावी हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। तो इसके संकेत तौर पर देखा भी जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं तो उन्होंने भी इस संस्था की जो इस आर्थिक स्थिति है तो उसके भी मतलब कि उस पर चिंता व्यक्त की है, है ना। साथ ही साथ जो है तो कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए उन्होंने मतलब कि पैसे की एक प्रकार से कमी का एक तरफ इशारा किया। साथ ही साथ जो तो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में जो काम करने वाले लगभग 37,000 कर्मचारियों को भी इस उनके वेतन भत्ते में कटौती संबंधित बातें भी की है ना। तो ये जो इस प्रकार की स्थितियाँ देखी जा रही है तो निश्चित तौर पर जैसे कि सदस्य जो है तो लगभग लगभग अभी यदि हम वर्तमान की बात किया है तो जितने भी मतलब कि सदस्य देश हैं तो जो बजट आना चाहिए था तो उसका लगभग लगभग अभी तक 70% ही आ पाया है। 30% तो भी मतलब कि उसके जो मिलना चाहिए वो भी आया ही नहीं फंड में, है ना। और भत्तों में जो कटौती उससे हालांकि जो भी काम किए गए हैं तो महासचिव ने हालांकि जैसे खर्च में कमी करने के भी ज़्यादा संकेत दिए हैं तो इससे जो है तो जैसे कि सम्मेलन और बैठक है तो वो भी टलेंगे निश्चित तौर पर फंड की कमी से, है ना। तो इनसे जो है तो इनमें भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। तो जैसे संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी हैं तो उनकी विदेश यात्रा है तो उस पर भी एक प्रकार से अंकुश ही लग जाएगी, है ना। तो यदि हम वर्तमान संदर्भ में यदि बात करते हैं तो जो ये बदलते विश्व में जो तो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका तो बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जहाँ जैसे शांति मिशन है उनसे लेकर के क्षेत्रीय विवाद उनके समाधान तक में जो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका तो बहुत ही ज़्यादा है, है ना। तो छोटे छोटा देश भी जो है तो इसको एक प्रकार से विश्वास और एक प्रकार से समाधान की उम्मीद से ही संयुक्त राष्ट्र में आता है ना। उसको पता है कि जैसे कि ये वैसे भी अपने उद्देश्यों के साथ ही कि वैश्विक शांति के उद्देश्य से ये इस संस्था का की स्थापना हुई थी, है ना। तो
साथ ही साथ यदि हम बात करें कि इसके जैसे अन्य उस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूनिसेफ जैसी संस्थाएं, तो इनकी भी अपनी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है ना। तो ये जैसे कि अगर इन संस्थाओं के बजट में इसी प्रकार से कटौती देखने को मिलेगी, तो इनका नुकसान बड़े देशों के बजाय जो छोटे मुल्क उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा ना, उनको ज़्यादा नुकसान इससे होगा। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के ज़्यादातर मिशन शांति मिशन है, तो लगभग इन्हीं लगभग तीसरी दुनिया के देशों में, जैसे कि पश्चिम एशिया के युद्धग्रस्त क्षेत्र हैं, तो उनमें भी चल रहे हैं है ना, गरीब देशों में। तो ऐसे में जो खर्च में कटौती का जो खामियाजा है, तो उन देशों के गरीब देशों के नागरिकों को ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो अगर संयुक्त राष्ट्र को मतलब कि बचाए रखना, तो सदस्य देशों को अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठ करके निश्चित उठना होगा और योगदान के मसले पर राजनीति बंद करनी होगी है ना। तो निश्चित तौर पर वर्तमान स्थितियों में यदि बात की जाए, तो संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था को एक प्रकार से उसको बहुत और भी ज़्यादा सशक्त करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता तो वर्तमान में और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही दोस्तों। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।